वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 15 अप्रैल 2023, और 15 अप्रैल 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने चर्चा करेंगे कि भारत देश पहली वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा, और ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है, और भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर भारत के शहर में खुलेगा, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि कल आपको क्लास नहीं मिली किसी कारणवश, तो आज अपने कल और आज के क्वेश्चनों को एक साथ चर्चा करेंगे। डेली आपको 6 बजे लाइव क्लास मिलती है पूरे ताजा लेटेस्ट न्यूज के साथ, ठीक है। तो और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले हम जो परसों हमने क्लास पढ़ी थी उसकी चर्चा कर लेते हैं। हमने करंट हमने क्या पढ़ा, हाल ही में मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया नीलेश सांबरे को। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और किस देश का सैन्य अभ्यास शुरू हुआ, तो ये हुआ है फिलीपींस, अमेरिका और फिलीपींस के बीच में। और संजीवनी परियोजना किसने शुरू की, ये किए हैं हिमाचल प्रदेश ने। और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों के अंदर अपना मुंबई शहर इसमें शामिल हो चुका है। उसके बाद भारतीय वायुसेना और यूनान के बीच में बड़े पैमाने पर संयुक्त अभ्यास को आयोजित किया गया है। और हाल ही में किसने तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया, ये किया है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। और किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा, तो यह हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। और आपको पता है हमारे जो प्रताप क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको पता है लाइव क्लास आपको रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलनी स्टार्ट हो गई है, यानी कि पैनल पर डिजिटल पोर्टल के साथ हमारी साइंस की क्लासें स्टार्ट हो चुकी है। और भारत के संविधान ये इसमें पॉलिटिकल के अंदर आपको पता है राष्ट्रपति से संबंधित भी आपको क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको लगातार यहाँ पे आप क्लासेस मिलेगी, साइंस की क्लास मिलेगी और पॉलिटिकल की क्लास भी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो शानदार तरीके से आप जरूर ज्वाइन कीजिए हमारे नानक क्लासेस और हमारे प्रताप क्लासेस, दोनों चैनलों को आप लगातार फॉलो करते रहिए, क्योंकि उस चैनल पर आपको राजस्थान करंट मिलता है और अपने यहाँ पर इंडिया करंट की चर्चा कर लेते हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास, देखिए पहला प्रश्न आपके सामने। आज और कल के क्वेश्चन अपने ज्यादा हैं, तो थोड़ी सी क्लास आज के लिए आपके लिए 1-2 मिनट ज्यादा हो सकती है। देखिए 14 अप्रैल 2023 को डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की कौन सी जन्मदिन के रूप में जयंती मनाई गई है, तो कल आपको पता था 14 अप्रैल थी, और 14 अप्रैल के दिन आपको पता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, उनका जन्मदिन मनाया जाता है। अब की बार उनका 132वां जन्मदिन मनाया गया है, कब है 132वां, और इनका ध्यान रखना 14 अप्रैल 1891 के अंदर उनका जन्म हुआ और 6 दिसंबर 1956 के तहत उनका निधन हुआ था। अब की बार उनका 132वां जन्मदिन मनाया गया है, और ये तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई है अभी कल 14 अप्रैल को, और 132वीं जयंती मनाई गई है, कब है 14 अप्रैल 2023 को। तो ये तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो, इनका जन्म 1891 में और इनका निधन 1956 के तहत इनका निधन हो चुका था। अब देखो पूरी डिटेल, भारत ने 14 अप्रैल 2023 को डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर के 132वें जन्मदिन के रूप में अम्बेडकर जयंती मनाई है, और अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में व्यापक रूप से मान्यता दी जाती है, और उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू गांव में एक महार परिवार में इनका जन्म हुआ था। किनका, अंबेडकर जी का जन्म हुआ, और अब की बार उनका 132वें जन्मदिन के रूप में अंबेडकर जयंती मनाई गई है। अगला प्रश्न, कौन सा देश अपनी पहली वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो ये करेगा अपना देश भारत है, वो अगले सप्ताह कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर अगले सप्ताह पहली वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा, कौन है, अपना देश है भारत। देखो अगले सप्ताह भारत नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा,
भारत द्वारा आयोजित होने वाले आगामी 2 दिवसीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? दर्शन शास्त्र से व्यास तक, समकालीन चुनौतियों का जवाब। ठीक है, दर्शन शास्त्र से व्यास तक, समकालीन चुनौतियों का जवाब आपकी बार मुख्य विषय रहेगा। इसकी मेजबानी अपने देश भारत के द्वारा की जाएगी और इसका उद्देश्य क्या है? बौद्ध शिक्षाओं और प्रथाओं की खोज करके जलवायु परिवर्तन, गरीबी और संघर्ष जैसी समस्याओं का समाधान खोजना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है घाना। कौन सा देश बना है? घाना देश बन चुका है। देखो, घाना के यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक उच्च दक्षता वाला मलेरिया टीका मंजूर करने वाला पहला देश बन गया है और इस टीके का नाम, ध्यान रखना, R21 या मैट्रिक्स M। ठीक है, टीके का नाम क्या है? R21, R21 या मैट्रिक्स M इस टीके का नाम है। और ये बच्चों से संबंधित क्या है आपको पता है, जो है मलेरिया टीका मंजूर करने वाला पहला देश बन चुका है घाना देश, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे मलेरिया घाना के अंदर बहुत बुरी तरह से फैल चुका था, अब इसके लिए वैक्सीन ये तैयार हो चुकी है। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने भारत का पहला REITs रिटेल्स और INVITs इन्वेस्ट इंडेक्स लॉन्च किया है? किस कंपनी ने ये किया है? NSE ने। ठीक है, किसने? NSE ने। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा भारत का पहला REITs और INVITs इंडेक्स लॉन्च किया गया है। अब इसकी पूरी चर्चा देखो पूरे तथ्य के साथ। देखो मुख्य तथ्य, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE की एक शाखा NSE इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने देश का पहला रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट, ठीक है, REIT इसकी फुल फॉर्म है, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट यानी कि INVIT इंडेक्स लॉन्च किया गया है। ये होते क्या है? ये एक निवेश वाहन है जो राजस्व पैदा करने वाली रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्ति का मालिकाना हक देता है। तो ये आपको बस याद रखना है, लगभग तो ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इस तरह के पॉइंट आपको याद रखने की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ये क्या है, देश का पहला रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट है और ट्रस्ट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट इंडेक्स लॉन्च किया गया है, बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, हाल ही में मार्च में खुदरा मुद्रा स्फीति घटकर कितने प्रतिशत पर आ चुकी है? हाल ही में मार्च के अंदर खुदरा मुद्रा स्फीति घटकर कितने प्रतिशत पर आ चुकी है? तो ये आ चुकी है, ध्यान रखना, 5.66, कितनी? 5.66% आ चुकी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। देखो, खुदरा मुद्रा स्फीति मार्च में 15 महीने के निचले स्तर पर 5.66% पर आ चुकी है। मुख्य रूप से खाने का सामान सस्ता होने से महंगाई दर घट चुकी है, थोड़ा सा इसमें घटाव इसमें देखा गया है उनकी महंगाई की दर में। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार खाद्य उत्पादों की मुद्रा स्फीति मार्च में 4.79% रही थी। कहां पर, कब है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार खाद्य उत्पादों की मुद्रा स्फीति मार्च के अंदर 4.79% रही थी। किसके अनुसार है? राष्ट्रीय सांख्यिकी के अनुसार। और खुदरा मुद्रा स्फीति वर्तमान में अब कितनी रह चुकी है? 5.66% पर आ चुकी है। भारत AI आधारित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाली स्टार्टअप्स द्वारा प्राप्त निवेश के मामले में कौन से स्थान पर है? भारत AI कौन सी है? AI, ठीक है, भारत AI आधारित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाली स्टार्टअप द्वारा प्राप्त निवेश के मामले में भारत का पांचवां स्थान है इसमें, ठीक है, कौन सा स्थान है? भारत का इसमें पांचवां स्थान है। देखो, स्टेफोर्ड विश्वविद्यालय के AI इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में AI आधारित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाली स्टार्टअप द्वारा प्राप्त निवेश के मामले में पांचवें स्थान पर आ चुका है। और भारत में AI स्टार्टअप्स को कुल राशि के रूप में $3.24 अरब का निवेश मिल चुका है। कितने? $3.24 अरब का इसमें निवेश मिल चुका है और इसमें भारत का पांचवां स्थान है। किसमें? आधारित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाली, किसमें? AI इंडेक्स रिपोर्ट में
निवेश के मामलों में भारत का पांचवां स्थान है। नेक्स्ट है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या रखा गया है? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम रखा गया है रेपिडेक्स। ऑप्शन नंबर डी क्या रखा गया है? रेपिडेक्स ऑप्शन नंबर डी इसका नाम रखा गया है। तो ये तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ये है देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा जिसका नाम रखा गया है रेपिडेक्स, इसका नाम है रखा है। तो ये तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो द नेशनल कैपिटल रीजनल द नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि NCRTC, अपने ट्रेन पर लिखा होता है ना, कोई भी टिकट लेते हैं अपने उस पर लिखा होता है NCRTC, उसकी फुल फॉर्म है ये द नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवाओं को रेपिडेक्स के नाम से जाना जाएगा भाई। और ये ट्रेन रीजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTSM कॉरिडोर पर चलेगी, जिस पर चलेगी कॉरिडोर पर चलेगी, और ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों को जोड़ने के निर्माण के जा रहे हैं, यानी कि राजधानी क्षेत्रों से, इसमें राजधानी क्षेत्रों से शहरी केंद्रों को जोड़ने के लिए इनके निर्माण इनका किया जा रहा है, इनका सेमी हाई स्पीड रेलवे का, और अब इनको रेपिडेक्स के नाम से भी जाना जाएगा। अगला प्रश्न, किस लिमिटेड को मिनी रतन श्रेणी वन का दर्जा मिला है? कौन सा ऐसा लिमिटेड है जो सौर ऊर्जा के मामले में आपको पता है जिसको मिनी रतन श्रेणी वन का दर्जा मिला? ये मिला है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रतन श्रेणी वन का दर्जा मिल चुका है। देखो, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य के स्वामित्व वाली सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SECL, अब कई बार ये नाम अगर आपसे नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, ये सीधा इतना ही नाम आ सकता है, ध्यान रखना। ये SECL सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिनी रतन श्रेणी वन का केंद्रीय उपक्रम यानी कि CPSE का दर्जा प्रदान किया गया, यानी कि मिनी रतन वन श्रेणी का दर्जा दिया गया है। अब सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 9 सितंबर 2011 को, और इसके वर्तमान में प्रबंध निदेशक कौन है? सुमन शर्मा वर्तमान में इसकी प्रबंध निदेशक है। अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी ने विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया और ओनेशिया इवेंट में खिताब जीता है? किस खिलाड़ी ने विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया और ओनेशिया इवेंट में खिताब जीता है? तो ये तस्वीर देख के आपको पता लग सकता है, इनका नाम है डी गुकेश। ठीक है, तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ये है एक छोटी सी उम्र में एक बालक की है, आपको बताया डी गुकेश, और ये इन्होंने विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया और ओनेशिया इवेंट में खिताब जीता है। देखो, विश्व चेस आर्मागेडन एशिया और ओनेशिया इवेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन नोदिरबेक, किसको है? पूर्व रैपिड चैंपियन है नोदिरबेक अबुस्त्रोव को हराकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। किसको हराया है? नोदिरबेक अबुस्त्रोव, इनको हराकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की और खिताब जीता है भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने। नेक्स्ट है, किस राज्य के भोगापुरा में 2200 एकड़ में ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा? किस राज्य के अंदर भोगापुर में 2200 एकड़ में ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा? ये बनेगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहां पर बनेगा? आंध्र प्रदेश में। तो याद रखना है, आंध्र प्रदेश राज्य के भोगापुरम के अंदर 2200 एकड़ में ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। अब देखो पूरी डिटेल इसकी, भोगापुर में ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला 3 मई को, जब 3 मई आएगी वहां पर 3 मई को मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी द्वारा रखी जाएगी। कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी द्वारा रखी जाएगी, और 2200 एकड़ में फैले इस हवाई अड्डे का निर्माण जल्द ही शुरू किया जाएगा। ठीक है, जल्द ही शुरू किया जाएगा। तो इसके द्वारा 3 मई जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी द्वारा इसकी आधारशिला रखी जाएगी और इसका निर्माण अब जल्दी शुरू हो जाएगा। और इसकी आपको पता है ये कहां पर बनेगा? भोगापुर में ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। तो ये आपको याद रखना है। एक करंट के तौर पर आपको क्वेश्चन में आपको और बता देता हूं, अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी। ये परसों जब मैं आपकी, कल तो संडे है, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलेगी, तो अपने परसों सोमवार के दिन
अपनी चर्चा करेंगे कि सबसे अधिक संपत्ति वाले आपसे मुख्यमंत्री पूछे तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे जगन मोहन रेड्डी। तो ये भी करंट के तौर पर एक क्वेश्चन आपके लिए बन चुका है। नेक्स्ट देखो आपके सामने, भारत का पहला, हाल ही में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर किस शहर में खुलेगा? तो ये कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर किस शहर में खुलेगा? ये खुलेगा बेंगलुरु शहर में। कहां पर खुलेगा? बेंगलुरु शहर के अंदर खुलेगा। और ये तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर। देखो कितना शानदार इसका डिजाइन यहाँ पर किया गया है। तो ये खुलेगा बेंगलुरु शहर के अंदर। देखो भारत के बेंगलुरु में एक 3D मुद्रित डाकघर बनाया जा रहा है जो देश में अपनी तरह का पहला डाकघर होगा। IAS मद्रास में IIT मद्रास से इसकी 3D प्रिंटिंग के लिए मंजूरी भी मिल चुकी है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस IIT के द्वारा इसको 3D प्रिंटिंग के लिए मंजूरी मिल गई? तो ये मिल चुकी है IIT मद्रास से। नेक्स्ट है, हाल ही में सेबी ने 12 अप्रैल को अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? हाल ही में सेबी ने 12 अप्रैल को अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया? तो ये बनाया है 35वां, ठीक है। कौन सा बनाया है? 35वां स्थापना दिवस बनाया है। देखो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने अपने 35वें स्थापना दिवस के मौके पर नया प्रतीक चिन्ह जारी किया है। तो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी भुज, ठीक है। कौन है? माधवी पुरी भुज वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष है। और अभी आपको पता है इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी और अब की बार इसका 35वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और इसका स्वामित्व है वो वित्त मंत्रालय के पास है होता है। किसके पास है? वित्त मंत्रालय के पास इसका स्वामित्व होता है। और 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी भुज इसके अध्यक्ष है और 35वां स्थापना दिवस बनाया गया है। नेक्स्ट देखो, अपरेश कुमार सिंह किस राज्य के हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ये तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है अपरेश कुमार सिंह और ये बने हैं त्रिपुरा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। किस राज्य के? त्रिपुरा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश ये बन चुके हैं। देखो जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने हाल ही में सेवानिवृत्त हुए जसवंत सिंह की जगह, पहले कौन थे? जसवंत सिंह की जगह त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति इनको मिल चुकी है। किनको? अपरेश कुमार सिंह को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 217, अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, अनुच्छेद 217 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के तहत राष्ट्रपति ने जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति दिलाई है। यानी कि राष्ट्रपति है, किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अगर नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 217 के तहत उसको नियुक्त करेगा। तो ये GK की तरह पॉइंट आपको भी आपको पॉलिटिकल संबंधी इस तरह पूछा जा सकता है। अब त्रिपुरा के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन चुके हैं? अपरेश कुमार सिंह बन चुके हैं। हाल ही में किस शहर में रेट जार को नियुक्त किया गया है? हाल ही में किस शहर में रेट जार को नियुक्त किया गया? ये किया गया न्यूयॉर्क देश में, ठीक है। यहां पर किया गया है न्यूयॉर्क शहर के अंदर रेट जार को नियुक्त किया गया है। अब ये रेट जार होता क्या है, अब देखो आगे पूरी तथ्य देखो इसके। न्यूयॉर्क में चूहों के खतरे से निपटने के लिए शहर का पहला रेट जार नियुक्त किया गया। किसके लिए? न्यूयॉर्क के अंदर क्या है? चूहों के खतरे से निपटने के लिए शहर का पहला रेट जार नियुक्त किया गया है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर हैं एरिक एडम्स ने कहा कि कैथलीन कोराडी को, किसको? कैथलीन कोराडी को रोडेंट मिटिगेशन के लिए शहर का पहला डायरेक्टर बनाया गया है। किसके लिए? चूहों के खतरे से निपटने के लिए ये क्या रेट जार नियुक्त किया गया। किसको किया गया? ये किया गया कैथलीन कोराडी को नियुक्त किया गया है। तो ये बस एक छोटी सी बात, ये भी आपको याद रखनी है। आज अपने एक खास तौर से चर्चा करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको पता है अमृतसर पंजाब के अंदर अभी इसका जो है बरसी बनाएगी, आपको पता है अभी 13 अप्रैल को इसकी जो है जहां पर जो भारतीय अपने शहीद हुए थे उसको नमन भी 13 अप्रैल को, ऊपर शहीद स्मारक भी बने हुए हैं यहाँ पर जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब, इसकी थोड़ी चर्चा आज अपने करेंगी। तो देखो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। गए हो क्या? आप कभी देख के आना, बहुत बढ़िया चीजें हैं। एक बाग भी इसमें बना हुआ है पंजाब के अंदर, मैं भी अभी कुछ दिन पहले जाके आया था। बड़े शानदार तरीके से यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई है, आज भी वहां पर है पहले जैसी प्राचीन जो चीजें थी, जैसे युद्ध हुआ था, कोई भी तस्वीरें अपने कोई जैसे मूर्तियां वहां पर लगी हुई है, निशान वहां पर बने हुए हैं, गोलियों के निशान बने हुए हैं। तो
तो सबसे पहले आप देख के आना, कभी आपको टाइम मिले, बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़े ही बाग शानदार तरीके से वहां पर है, बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े पर्यटक के रूप में आप देख के आना उनको। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में अमृतसर पंजाब के अंदर यहाँ पर हत्याकांड हुआ। अब की बार इसकी जो जलियांवाला बाग की है वो 104वीं बरसी बनेगी। कौन सी? 104वीं बरसी बनेगी। और ये भारतीय लोगों के खिलाफ उत्पीड़न की एक घटना और ब्रिटिश औपचारिक शासन के दौरान उनके विरुद्ध किए गए अत्याचारों का प्रतीक है। तो ये आप देख के आओगे तब आपको पूरा यहाँ पे देख के आने के बाद पूरी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा भी होता इसमें क्या हुआ था। अब थोड़ी सी मैं चर्चा आपको इसमें बता देता हूँ, क्योंकि जब 13 अप्रैल 1919 के दिन घटना हुई थी तब वहां पर एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी होता था, कौन है, जिसका नाम है जनरल डायर। उसने क्या है, सेना के साथ जलियांवाला बाग में वे इकट्ठे हो गए थे। इकट्ठे होने के बाद वहां पर क्या है, दो राष्ट्रवादी नेता थे जिनका नाम था, एक तो सत्यपाल, एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में, क्या है, दो व्यक्तियों के विरोध में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे। ठीक है, तब वहां पर बिना सोचे समझे वहां पर जनरल डायर ने क्या है, उस पर गोलियां चला दी। उसमें लगभग वहां पर क्या है, 1650 लगभग वहां पर गोलियां चलेगी और 500 से अधिक लोग वहां पर मारे गए थे। तो बहुत यहाँ पे मतलब आज भी तस्वीरें वहां पर बनी हुई है, बहुत से वहां पर लोग भी मरे थे और आज भी उनका जो स्मारक भी, जो सैनिक वहां पर मरे थे उनकी स्मारक भी वहां पर बनाया गया है। तो 1951 के अंदर क्या है, जो पीड़ित यानी कि जो शहीद हुए थे उनका स्मारक वहां पर बनाया गया है। तो आप कभी भी टाइम मिले तो ये चीजें आप देखा करो, बढ़िया चीजें हैं, इससे आपको अपनी पूरा आपका यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, आप देखो, आपके लिए पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप है डाउनलोड कर सकते हो। तो लगभग हमारे 10,000 से प्लस विद्यार्थी टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं और इसकी शाम तक आपको पीडीएफ भी मिल जाती है। और जो पिछले 8 महीनों की हमने क्लास दी थी, मैंने आपको पिछले 8 महीनों की करंट की क्लास, उसकी पीडीएफ भी आपको ऐप के अंदर भी मिल जाएगी और टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, 8 महीने की पीडीएफ भी आपको तैयार हो रही है, वो भी आपको मिल जाएगी। अब देखो, पिछले वीडियो क्वेश्चन है, किस राज्य में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया? ये किया गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है, प्रियांशु राजावत ने ओरियंस मास्टर्स का टाइटल जीत लिया है, इनका संबंध किस खेल से है? निशानेबाज, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो आपके लिए यस्ट डोज क्या थी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये है चिनाब नदी। बाकी कई बार यहाँ पे क्या है, चिनाब नदी ऑप्शन नहीं आए तो यहाँ पे सतलज नदी भी हो सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। अब तक निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो वो है नीलम संजीव रेड्डी। और मौलिक अधिकारों की पालना सुनिश्चित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये है अनुच्छेद 32 में। और कोई व्यक्ति संसद के बिना, किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? तो ये रह सकता है 6 माह के लिए। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, क्योंकि कल आपको क्लास नहीं मिली इसलिए आज थोड़ी सी क्लास आपके लिए 2 मिनट ज्यादा आपके लिए हो सकता है लंबी हो जाए। अब देखो नेक्स्ट डोज, पाक जलसंधि किन दो देशों के बीच में स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है, उसका नाम बताना है, किस देश में है वो भी बताना है। और संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? और भारत के किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा का सामना नहीं किया? बड़े शानदार तरीके से आपको लगातार मैं क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, इन क्वेश्चनों के शानदार तरीके से आपको जवाब देने हैं। तो सभी साथी वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। और हमारी ऐप के अंदर आपको बताया, ये आल एग्जाम 2023 के लिए आपको पता है टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें आपको जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक पूरा डाटा आपको मिलेगा। अभी इसमें आपको धीरे धीरे, जैसे मैं बीच बीच में अलग अलग से, जैसे युद्ध अभ्यास, पुरस्कार, खेल, अलग अलग से क्लास लेकर आऊंगा, ये सारे टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिलते जाएंगे और पीडीएफ भी उनकी भी यहाँ पर मिलती जाएगी। 1 साल की वैलिडिटी है, 50 रुपए के अंदर आप जरूर ज्वाइन कीजिए शानदार तरीके से। और ये हमारी भारत का भूगोल, एक ये विश्व का भूगोल, ये भी टेस्ट सीरीज चल रही है, अभी भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल 50 रुपए के अंदर। इसमें हम पॉलिटिकल की भी हम टेस्ट सीरीज अब स्टार्ट करने वाले हैं, जो और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आपके लिए क्लास रहेगी। तो शानदार तरीके से आप जरूर ज्वाइन कीजिए। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना, क्योंकि कल आपको क्लास नहीं मिली इसलिए अपने क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे, चर्चा कर ली अपने। और सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, धन्यवाद।